हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेट से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। इससे पहले सेट के ऊपर दो वीडियो आ चुकी हैं, अगर आप चाहें तो उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास एग्जाम में, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, एक्स और वाई मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था। इसको कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मैं सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2, 4, 8। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कोई एक्स सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 17। ऐसे कोई वाई सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 23, ठीक है। नंबर ऑफ इन एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो जो एक्स सेट है और वाई सेट है, जो दोनों उनमें कॉमन एलिमेंट हैं, वो कितने हैं, 2 कॉमन एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन बी, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है मैं साइड में लिख देता हूँ। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस के नंबर ऑफ इन एलिमेंट माइनस के नंबर ऑफ इन एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये मेरे पास फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से दिए होंगे आपको, फार्मूला में कितनी चीज़ें, 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। कोई तीन चीज़ें दे दी जाएंगी और एक चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ जी, मुझे एक तो ये वैल्यू गिवन है और एक ये वैल्यू गिवन है, एक ये वैल्यू गिवन है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। बड़ा ही क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो ये तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है, 17, और इसकी वैल्यू क्या है, 23, और माइनस के, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स यूनियन वाई कितना आ गया, हाँ जी, ये 40 और माइनस के 2। तो नंबर ऑफ इन एलिमेंट एक्स यूनियन वाई कितना आ गया मेरे पास, 38, और 38 क्या है मेरा, ए। तो ए मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 37 लाइक क्रिकेट करते हैं और 52 लाइक फुटबॉल, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मैनी लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ जी, इससे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स यूनियन वाई का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब मुझे क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप में टोटल पर्सन कितने हैं, ग्रुप में टोटल पर्सन है वो क्या मेरे पास, यूनियन है, ठीक है दोस्तों। वो ये चीज़ दे रखी है, जितने भी ग्रुप में टोटल पर्सन है वो क्या, ये चीज़ दे रखी है मुझे, यानी कि एक्स यूनियन वाई कितने दे रखा है मुझे, 70। हाँ जी, 37 लाइक क्रिकेट, 37 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ मैं एक्स ऐसे पर्सन है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, 37। उसके 52 लाइक फुटबॉल, इसको वाई मान लेते हैं, और 52 लोग ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी लाइक बोथ, अब ये बोथ वर्ड है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है दोस्तों। और इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, दोनों में कॉमन हो, यानी कि मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल करना क्या, फार्मूला वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हाँ जी, यहाँ पे क्या रहेगा, 70 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ये क्या था मेरे पास, ये है मेरे पास वाई है और ये मेरे पास एक्स है, 37 प्लस 52, और ये तो मुझे फाइंड आउट करना ही है। हाँ जी, 70 इज इक्वल टू 7 और 2, 9, 5 और 3, 8 माइनस के एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तरह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। ये क्या गया, माइनस के 19 इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके साथ ये कट गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या गया, 19, ठीक है दोस्तों। ये आया क्या, ऐसे लोग जो दोनों गेम पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और वो फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, वो कितने, 19 लोग ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। इस ग्रुप में 70 लोगों के ग्रुप में 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल का ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट, 40% है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं,
10% ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोथ वर्ड आ गया, यानी कि इंटरसेक्शन है, मैंने आपको बताया था जो दोनों है, दोनों में कॉमन है। हाउ मैनी लाइक हॉकी, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ए सेट मान लेता हूँ ऐसे पर्सन का जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, क्रिकेट को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लें, एक्स ऐसे पर्सन है, ऐसे पर्सन का सेट है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो कितने हैं मेरे पास, 40, ठीक है दोस्तों। और वाई ऐसे पर्सन मान लेते हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं, और यही तो मुझे निकालना है, वाई नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन वाई कितने हैं, ये मुझे निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, और दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन मैंने आपको बताया था ये होता है इंटरसेक्शन, कॉमन कितने, 10% दोनों में कॉमन है। और ग्रुप में टोटल पर्सन कितने हैं, वो है 65, और टोटल क्या होता है, यूनियन होता है, वो कितने हैं, 65, ठीक है दोस्तों। अब फार्मूले मुझे चार चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें गिवन है, एक चीज़ फाइंड करनी है, फार्मूले वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है, 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, 40, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने, ये मुझे निकालना है, और इसकी वैल्यू मुझे क्या देखें, इंटरसेक्शन की 10, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर है, 40 में से 10 के कितने होते हैं, 30। इसको इधर लेके आएंगे, 65 माइनस के 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, हाँ जी ये कितना आ जाएगा, 35। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितना आ गया, 35, यानी कि 35 लोग ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं, हॉकी पसंद करते हैं, तो ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हाउ मैनी लाइक सिर्फ एक वर्ड, ओनली हॉकी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्वेश्चन सारा सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दी, हाउ मैनी लाइक ओनली हॉकी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तब आंसर क्या होता है इसका। अब इस चीज़ को समझते हैं, ओनली हॉकी इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने क्वेश्चन किया, उसमें हमने क्या निकाला, ऐसे पर्सन जो हॉकी को पसंद करते हैं, हॉकी को पसंद करते हैं, ठीक है, वो कितने आए थे, 35। अब मुझे निकालना है ऐसे पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी को पसंद करते हैं, जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको ओनली वर्ड आ जाए तब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, ऐसे पर्सन जो सिर्फ हॉकी ओनली को पसंद करते हैं, लाइक हॉकी ओनली। अब हॉकी ओनली, हॉकी को मैंने क्या माना था, वाई माना था ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ वाई माइनस एक्स, ये क्या, ऐसे पर्सन जो सिर्फ हॉकी को पसंद करेंगे, फार्मूला क्या है, वाई आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा एन ऑफ वाई माइनस के एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आइए फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ एन ऑफ वाई माइनस एक्स, ये मुझे निकालना है। एन ऑफ वाई की वैल्यू क्या गिवन है, एन ऑफ वाई की वैल्यू अभी भी निकाल के टॉम है, वो है 35, ठीक है। और माइनस के क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, 10, हाँ जी क्या आ गया, 25, यानी कि 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी को पसंद करते हैं, तो अब राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ओनली से रिलेटेड, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या क्या गिवन है मेरे पास, नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितने देखे मुझे, 500, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन एक्स कितने देखे मुझे, 350। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या देखे मुझे, 90। फाइंड नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन मान लीजिए आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई, ये आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आइए करते हैं। तो क्या क्या, ये एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है मुझे, 500, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना है मेरे पास, 350, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई मुझे निकालना है, और दोनों में कॉमन कितने दे रखे हैं, 90। इसको सोल्व कर लो, हाँ जी इसमें से ये क्या, 0, 6, 2, और ये एज इट इज, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो ये क्या आ गया, y, इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 240 नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, तो 240 क्या आ गया मेरा, राइट आंसर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं, 240, तो ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आइए अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता नंबर ऑफ एलिमेंट इन
वाई ओनली, ठीक है दोस्तों। तब इसका राइट आंसर क्या होता है चारों में से, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था, जब वाई ओनली या एक्स ओनली फार्मूला होता तो उसको कैसे करते हैं, हाँ जी मुझे वाई ओनली, वाई ओनली में वाई आगे रहेगा तो वाई ओनली ये वाला फार्मूला है, यहाँ तक ये फार्मूला यहाँ तक है, ठीक है। ये वाई ओनली मैंने पीछे लिख रखा है, वाई ओनली में ये वाला फार्मूला का वाई ओनली, तो फार्मूला क्या रहेगा, हाँ जी ये जो आंसर आएगा ये वाई ओनली है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ वाई में है, सिर्फ वाई में है, ये है। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, हाँ जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, वाई के एलिमेंट कितने हैं, अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करके हटे थे तो वो कितने थे, 260 थे, ठीक है दोस्तों 260 माइनस में, हाँ जी इन दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन कितने हैं 90, और कॉमन क्या 90, ठीक है दोस्तों। जो इसको सोल्व करके आएगा वो आ जाएंगे मेरे ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ वाई में है, ओनली ओनली, ठीक है। जब ओनली आ जाए तब ये फार्मूला लगेगा, हाँ जी कितना आ गया 150, ठीक है दोस्तों। और 150 क्या डी है, तो डी क्या देगा राइट आंसर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वाई की जगह पे क्या होता, एक्स ओनली होता, तो एक्स ओनली है तो ये वाला फार्मूला लगता, तो फार्मूला क्या होता, तो यहाँ पे एक्स आगे आ जाता, हाँ ये एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है दोस्तों। एक्स ओनली में एक्स आगे लिखेंगे माइनस के एक्स इंटरसेक्शन वाई, फार्मूला वैल्यू पुट कर दो सारी, ये मुझे निकालना है। इसका मतलब ही ये है भी सिर्फ x में, x ओनली, हाँ जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं 350, और इसमें कितने हैं 90, इसमें माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, 6 और 2, तो ये क्या आ जाएगा 260, और 260 क्या है b, तो मेरा बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि ये एलिमेंट, ये क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स ओनली, सिर्फ एक्स में है वो 260 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप सेट से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए, इस फार्मूले में आपको चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है दोस्तों। और ये फार्मूला है एक्स ओनली के लिए, और ये फार्मूला है वाई ओनली के लिए। आई होप आपको समझा होगा, थैंक यू वेरी मच।